हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, जो कि एकदम ऑफिशियली अपडेट है। और देन उसी के साथ बात करेंगे मार्वल फीचर प्रोजेक्ट्स के अपकमिंग टीजर के अपडेट के बारे में, और बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन 3 के ऑफिशियली अपडेट के बारे में। तो टॉम हॉलैंड, जो कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनको मौका मिला है वैरायटी अवार्ड फंक्शन में, जो कि 4 फरवरी को होने वाला है, और वो उसमें खुद ही ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, ठीक है। देन उसमें टॉम हॉलैंड ने ये चीज क्लियर करी कि वो स्पाइडरमैन 3 को फुली प्रमोट करेंगे, और वो प्रमोशन एक तरीके से टाइटल रिवील करना हो सकता है, कास्टिंग के बारे में बताना हो सकता है, या टीजर का अपडेट हो सकता है कि कब वो टीजर रिलीज करेंगे। तो मे बी शायद टीजर रिलीज ना हो, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि आगे आने वाले समय में 7 फरवरी को सुपर बॉल होने वाला है, और मार्वल सोनी उसमें शायद स्पाइडरमैन का टीजर रिलीज करना ज्यादा बेटर समझे, ना कि 4 तारीख को ब्रॉडकास्ट में। तो शायद मे भी हमें टाइटल पता चल सकता है, पर जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देन अब बात करते हैं 7 तारीख के अपडेट के बारे में। तो 4 फरवरी से अब बात करते हैं 7 तारीख के अपडेट के बारे में। तो 7 फरवरी को जो मार्वल के फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि ब्लैक विडो, फाल्कन द विंटर सोल्जर, लोकी, व्हाट इफ और शैंग-ची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स, तो इन दौरान में जो सुपर बॉल का 7 फरवरी को मैच होने वाला है, उसके मिड इंटरवल में शायद मे बी मार्वल लोकी, व्हाट इफ, ब्लैक विडो और देन फाल्कन द विंटर सोल्जर और शैंग-ची का टीजर रिलीज कर सकता है। पर मे बी जब से ज्यादा मेरे को लग रहा है कि हाँ, शायद स्पाइडरमैन और शैंग-ची का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पहले भी काफी सारे अपडेट्स आई हैं। तो देखते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बाद मार्वल किसको ज्यादा प्रायोरिटी बेस देगा, और देन किसका सबसे ज्यादा पहले टीजर लॉन्च करेगा। तो मे बी ब्लैक विडो को टीवी स्पॉट देखने को मिल सकता है, और फाल्कन द विंटर सोल्जर का टीजर, और या शैंग-ची या स्पाइडरमैन का देखने को तो मिल ही सकता है। चलिए बात करते हैं एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में। तो वांडा विजन फाइनली जब उसकी एंडिंग होगी तो वो फार फ्रॉम होम से कनेक्ट होगी, जी हाँ, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और देन उसी के साथ मॉर्बियस एक्टर ने कंफर्म करा है कि वो चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में ब्लेड से मेरा क्रॉसओवर हो, अगर उन्होंने ऐसा बोला है, और देन अगर ये हो गया तो गाइस बहुत कमाल का होने वाला है। देन उसी के साथ सजैम की अप्रैल में नहीं, मई से शूटिंग स्टार्ट होगी, और देन उसी टाइम से हमें शूटिंग के अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे, देन पता भी चलेंगे। देन जस्टिस लीग ऑफिशियली 100% कंप्लीट हो चुकी, जैक स्नाइडर ने कंफर्म कर दिया है। देन आज मॉर्निंग के देन जेरेमी ने खुद एक हॉकाई की इमेज डाली है, और देन वहां पे पीछे शील्ड का लोगो भी लगा हुआ है, यानी कि हॉकाई शील्ड के अंडर काम कर रहे हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।